फ्रेंड्स, गर्मियों का सीज़न चल रहा है और गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। जैसे हमें एसी, कूलर, फ्रिज, पंखा और भी घर के अप्लाइंस चलाने होते हैं, इसकी वजह से हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है और काफ़ी जगह पे बिजली की समस्या है। जैसे काफ़ी जगह पे अलग अलग टाइम पे कट लगने लग जाते हैं, जिससे कि अप्लाइंस है हमारे वो चल नहीं पाते, बिजली की समस्या हो जाती है। इन्हीं दोनों समस्या को देखते हुए हम सोलर पैनल लगवाने की सोचते हैं। जब हम सोलर पैनल लगवा लेंगे तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। जहां पे बिजली का बिल ज्यादा आता है वहां पे बिजली का बिल भी कम हो जाएगा और जहां पे बिजली की समस्या है वहां पे बिजली भी रहने लग जाएगी। फ्रेंड्स, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा सोलर पैनल हमें लगवाना चाहिए और कौन सी कंपनी का हमें सोलर पैनल लगवाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी यही देने वाले हैं कि कौन सा सोलर पैनल हमें लगवाना चाहिए और कौन सी कंपनी का हमें लगवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वारे कंपनी का बायफेशियल सोलर पैनल, जिसकी कैपेसिटी है 540 वाट। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बायफेशियल सोलर पैनल क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है और बायफेशियल सोलर पैनल कैसे काम करता है और कहां से इस बायफेशियल सोलर पैनल को खरीदा जाएगा। तो एक एक करके हम सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस पैनल की जो पैकिंग दी थी फ्रेंड्स, वो काफ़ी अच्छी थी। इसके बाहर से बबल रैप भी किया हुआ था ताकि ट्रांसपोर्ट में कोई टूटने का खतरा ना हो। फ्रेंड्स, जो बबल रैप दिया था उसको हमने रिमूव कर दिया है। अभी हम पैनल को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं पैनल को हमने अनबॉक्स कर लिया है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसकी लेंथ 90 इंचेस है और इसकी विड्थ 45 इंचेस है। और फ्रेंड्स, इसके जो साइड में एल्यूमिनियम का फ्रेम है इसका साइज़ 1.5 इंच है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं बायफेशियल सोलर पैनल क्या होता है। फ्रेंड्स, सोलर पैनल अलग अलग प्रकार के होते हैं। काफ़ी पैनल तो आपने देखे भी होंगे और पता भी होगा, जैसे कि पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल, हाफ कट सोलर पैनल और बायफेशियल सोलर पैनल। आज की इस वीडियो में हम बायफेशियल सोलर पैनल के बारे में ही जानेंगे। फ्रेंड्स, बायफेशियल सोलर पैनल ये अपने नाम से ही आइडेंटिटी कर रहा है, बायफेशियल यानी कि द्विमुखी। इसका मतलब है ये दोनों साइड से बिजली बनाएगा। फ्रेंड्स, जो नॉर्मल सोलर पैनल होते हैं वो सिर्फ फ्रंट साइड से ही बिजली बनाते हैं, लेकिन जो बायफेशियल सोलर पैनल है वो दोनों साइड से, फ्रंट साइड से भी बिजली बनाएगा और बैक साइड से भी बिजली बनाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि बायफेशियल सोलर पैनल कैसे बनता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जो नॉर्मल सोलर पैनल होते हैं उनके जो सोलर सेल होते हैं उनको बिछा कर उनके बैक साइड में वाइट कलर की सीट लगा दी जाती है और बन के रेडी हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो बायफेशियल सोलर पैनल होते हैं उनके फ्रंट साइड में ग्लास लगा दिया जाता है और बैक साइड में भी ग्लास लगा दिया जाता है और दोनों ग्लास के बीच में सिलिकॉन सेल लगा दिए जाते हैं, फिर जाकर ये बायफेशियल सोलर पैनल तैयार होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो बायफेशियल सोलर पैनल है वो काम कैसे करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा, जो नॉर्मल सोलर पैनल होते हैं उनके ऊपर से सनलाइट आती है और पैनल का फ्रंट साइड उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और बिजली बना देता है। लेकिन जो बायफेशियल सोलर पैनल है उसके ऊपर से जो सनलाइट आएगी वो उसका फ्रंट साइड अब्जॉर्ब करेगा और जो ज़मीन पे सनलाइट गिर के रिफ्लेक्ट होकर उसकी पैनल का बैक साइड उसको अब्जॉर्ब करेगा और दोनों साइड से बिजली को बनाएगा। फ्रेंड्स, ये वारे कंपनी का बायफेशियल सोलर पैनल है। इस पैनल के बैक साइड से एवरेज 30% तक बिजली जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये भी डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे इंस्टॉल किया है। मान लीजिए आपकी नॉर्मल छत है और वहाँ पे ये इंस्टॉल है तो वहाँ पे ये कम बिजली पावर जनरेट करेगा बैक साइड से। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ पे वाइट कोटिंग वाली छत है वहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा पावर जनरेट करेगा बैक साइड से। फ्रेंड्स, ये वारे कंपनी का सोलर पैनल है जो कि मेड इन इंडिया कंपनी है और ये कंपनी अलग अलग मॉड्यूल के सोलर पैनल बनाती है, जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, हाफ कट सोलर पैनल, बायफेशियल सोलर पैनल और फ्लेक्सिबल सोलर पैनल भी बनाती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस पैनल के सेल के बारे में। इसमें जो सेल लगे हुए हैं वो मोनोपर्क बायफेशियल सोलर सेल लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं, आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। एक पार्ट में 12x6 यानी कि 72 सेल लगे हुए हैं, इसी तरह से 12x6
यानी कि 72 और 72 144 144 सेल से ये बना हुआ है। इसकी खास बात ये है फ्रेंड्स कि ये दो भाग में बना हुआ है। मान लीजिए एक भाग में छाया आ जाती है तो दूसरा भाग एज इट इज़ काम करता रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए दूसरे भाग पे छाया आ जाती है तो पहले वाला भाग काम करेगा अच्छे से, और फ्रेंड्स ये सभी क्लाइमैक्स में बैटर काम करता रहेगा। अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो अप टू 20% इसकी एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स अगर हम इसके फ्रंट ग्लास की बात करें तो 3.2 mm लो आयरन का टेम्पर्ड ग्लास विद आर्क कोटिंग का बना हुआ है। फ्रेंड्स अगर हम पैनल के बैक साइड से देखते हैं तो यहाँ पे आपको 3 जंक्शन बॉक्स देखने को मिलेंगे। अगर आप नॉर्मल पैनल के पीछे देखते हैं तो एक ही आपको जंक्शन बॉक्स देखने को मिलेगा। ये 3 अलग अलग जंक्शन बॉक्स हैं, जैसे कि नेगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर। इनमें एक सेफ्टी फैक्टर है, मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो इनमें नहीं होगा। और फ्रेंड्स जो ये जंक्शन बॉक्स है वो IP68 रेटेड है, जिसमें वाटर और डस्ट जाने का कोई खतरा नहीं रहता है, ये भी एक सेफ्टी फैक्टर है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो बैक साइड में इस पैनल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जहाँ पे आप इसकी पावर देख सकते हैं, जैसे कि कितने वाट का है, कितनी VOC है, कितना इसका ओपन सर्किट वोल्टेज है, कितना ओपन सर्किट करंट है, सब कुछ डिटेल आपको इस स्टिकर के ऊपर देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स इस पैनल का जो फ्रेम लगा हुआ है उसके ऊपर आपको 6 इस साइड में होल मिलेंगे और 6 उस साइड में होल मिलेंगे, जिससे क्या है किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये पैनल सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है और सभी मौसम में बेटर परफॉर्म करता है। फ्रेंड्स अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो इसके साथ में आपको 25 साल की कंडीशनल वारंटी मिल जाती है, जिसमें 10 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी। परफॉर्मेंस भी ईयर के अकॉर्डिंग ही डिफाइन की जाती है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो बात आती है कि कहाँ से बाय करें, यानी कि कहाँ से इसको ख़रीदना है। फ्रेंड्स वारे कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आपके नियर अबाउट यानी कि नज़दीक में डीलरशिप यानी कि डीलर मिल जाते हैं वारे कंपनी के, तो वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा मानना ये है कि आप लेटेस्ट रहिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कीजिए। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।